सोनू भाई का कॉल आया, कहता भाई मेरे को उनको ट्रैक्टर देने का मन है, ये ऐसे ऐसे वीडियो मैं आपको ही भेज रहा हूँ, आप भी देखो। तो हम क्या कर सकते हैं और कैसे आंध्र प्रदेश में यहाँ से हम भेजें, क्या करें मतलब। जैसे उन्होंने सोनू भाई ने ये ट्वीट देखा, उन्होंने उस पर ट्वीट किया, अरे भाई बेटियों को आप भेजो स्कूल में भेजो पढ़ाई करने के लिए, मैं आपको बैलों का जोड़ा भेजता हूँ। तो मैंने फिर वो वीडियो देखा, तो वीडियो एकदम ही हिला देने वाला था। इतना देख के मतलब खुद को ही लगा कि यार कि हम खुद ही वहाँ पहुँच जाएँ और उनकी मदद करें। और सोनू भाई ने उनसे एक ही रिक्वेस्ट की कि सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये ट्रैक्टर हम आज ही पहुँचा दें। तो मैं अब सोनू भैया को अब कहने लगा हूँ कि भाई अब ये कोरोना ठीक हो जाए, फिर एक बार हमने जाके भी उस ट्रैक्टर का गेड़ी जरूर लगानी है उस ट्रैक्टर पे, और हमने वहाँ पर जरूर उस खेत में उस किसान के साथ हमने काम करना है। एक्टर सोनू सूद एक बार मुड़ सुर्खियों में आते हैं। आंध्र प्रदेश की एक वीडियो वायरल होती है जिदे किसान परिवार अपनी दो धियां दे नाल खेदा हल जोतता है। वीडियो वायरल होंदे ही सोनू सूद वालों उन्होंने ट्रैक्टर दिता जाता है, पर यह तो असी जो सोनू सूद कैमरे अगे हैं इस दे पिछे परदे दे पिछे कुछ लोग ने जिन्होंने ट्रैक्टर अरेंज किया। कौन ये लोग ने तुहानू मिलांदे हैं साडे नाल मौजूद ने PhD चैंबर पंजाब दे करण गलोत्रा जी, चेयरमैन ने। करण जी किवें यह सारा वाक्य होया, किवें तुहानू सोनू सूद ने कॉन्टैक्ट किया? देखिए इसमें जो मैं कहूँगा कि सबसे जो बड़ी और सबसे नेक और सबसे प्योर सोच तो सोनू भाई की खुद की है, और लोग जिस तरह उनसे प्यार कर रहे हैं, जैसे उनसे उम्मीदें बना के बैठे हैं, तो ये हमारे कोई पत्रकार जी हैं, आप दोस्त हमारे आपके जैसे कृष्णमूर्ति जी, जिन्होंने आंध्र प्रदेश से ये चित्तूर डिस्ट्रिक्ट से ये वीडियो वायरल किया, उन्होंने सोनू भाई को टैग किया। और टैग करने का मतलब ये था कि उम्मीद थी उन्हें कि सोनू भाई तक ये चीज़ पहुँचे, और वो देख के और वही एग्जैक्टली वही हुआ कि जैसे ही उन्होंने सोनू भाई ने ये ट्वीट देखा, उन्होंने उस पर ट्वीट किया, अरे भाई बेटियों को आप भेजो स्कूल में भेजो पढ़ाई करने के लिए, मैं आपको बैलों का जोड़ा भेजता हूँ। तो मतलब ये बात रात की हुई, मेरे को तो फ्रैंकली मैं इतना पता नहीं था तब तक। तो सुबह जब मैं उठा तो मेरे को सोनू भाई का कॉल आया, कहता भाई मेरे को उनको ट्रैक्टर देने का मन है, ये ऐसे ऐसे वीडियो मैं आपको ही भेज रहा हूँ, आप भी देखो एंड फिर बताओ हम क्या कर सकते हैं और कैसे आंध्र प्रदेश में ये अरेंज किया जा सकता है, यहाँ से हम भेजें क्या करें मतलब। अभी एक थॉट था, बट वो कहते ना कि एक नीयत बहुत अच्छी थी, लोगों का प्यार था, भगवान का आशीर्वाद था। तो उन्होंने जैसे ही मेरे से बात की, मैंने कहा भाई आप फ़ोन रखो मेरे को पहले वीडियो वगैरह देखने, तो मैं सारा देखूँ कि क्या एग्जैक्टली आप करना चाह रहे हो। तो मैंने फिर वो वीडियो देखा, तो वीडियो एकदम ही हिला देने वाला था। इतना देख के मतलब खुद को ही लगा कि यार कि हम खुद ही वहाँ पहुँच जाएँ और उनकी मदद करें। तो मैंने सोनू भाई को बोला, मैं कहा भाई ये तो वाकई आपकी जो थॉट है जो सोच है इसका तो मतलब कोई जवाब ही नहीं है, और वैसे भी आप जितना वो कर रहे हैं सबको ही पता है इस कंट्री में, इनफैक्ट आई वुड से सारे वर्ल्ड में ही पता है। तो बाहर से भी लोग उनको अपना प्यार भेज रहे हैं, अपनी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। तो मैं कहा भाई ये तो आपने बहुत नेक सोच सोची है, तो इस पर मेरे को आप एक घंटे का टाइम दो, मैं कुछ वर्किंग करता हूँ। तो हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड फ्रेंड हैं, सर हैं हमारे मिस्टर AS मित्तल जो सोनीलका ग्रुप के चेयरमैन हैं, तो उनसे मेरे काफ़ी इंट्रैक्शन होता रहता है PhD चैम्बर की तरफ से। एंड आप सब भी इज़ अ वेरी राउंड पर्सनैलिटी, पंजाब के एक तरह से रतन है। तो उनको मैंने फ़ोन किया जबकि संडे का दिन था, तो मैं कहा सर अगर आप फ्री हैं तो मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। कहते करण बोलो जो भी आप कहें, वो हमेशा ही मतलब बहुत प्यार करते हैं। मैं कहा सर आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, आप वीडियो पहले देखिए फिर बात करते हैं। तो वीडियो देखा, कहते मैं कहा सोनू भाई ने मेरे को भेजा है, और सोनू सूद भी आपकी तरह एक पंजाब के रतन है। तो मैं कहा उनकी ये इच्छा है कि हम किसी तरह ये एक ट्रैक्टर उस किसान के लिए उसके परिवार के लिए अरेंज करें।
तो उसमें हम आपकी सपोर्ट चाहेंगे। तो उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ सेकंड्स के अंदर ही कहते हो जाएगा, आप इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे को उन्होंने अपनी तरफ से जो भी वो मैं कहता हूँ इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। और हमें कहा कि सिर्फ मेरे को किसान का आप एड्रेस दो, नंबर दो। हमने उन्होंने अपनी टीम को कनेक्ट करा दिया। फिर मैंने सोनू भाई से उनकी बात कराई मित्तल साहब की, तो मित्तल साहब ने कहा कि सोनू भाई जिस तरह आप काम कर रहे हैं और इसमें अगर हम साथ जुड़ सकते हैं तो इससे और बेहतर क्या होगा। और सोनू भाई ने उनसे एक ही रिक्वेस्ट की कि सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये ट्रैक्टर हम आज ही पहुँचा दें। उन्होंने कहा जी आज ही पहुँचेगा। और आपने फिर देखा होगा सोशल मीडिया पर कि मेरे ख्याल से कोई 8-9 बजे की पिक्चर्स वायरल हो गई थी, ये ट्रैक्टर पहुँच गया था, फैमिली उसके साथ थी। तो आप ये देखिए कि इसमें चाहे मैं हूँ चाहे मित्तल साहब हैं, देखो मैं कहूँगा हम सबको इस चीज़ में जुड़ने का मौका या अपना जिस भी प्रकार का योगदान करने का मौका मिला, पर वो सोच किसकी थी? सोनू सूद की। और उसके ऊपर क्या चीज़ है कि देखिए कि ना करने वाला सोनू भाई है, ना मैं हूँ, ना मित्तल साहब हैं। ये मैं कहूँगा कि उस किसान की, उसके बच्चों की एक ऐसी तकदीर थी कि कहाँ से वो वीडियो चला, कहाँ पे वो पहुँचा, क्या अंजाम। अब आज की डेट में चंद्रबाबू नायडू साहब ने भी कल सोनू भाई को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि आपने इंस्पायर कर दिया पूरा आंध्र प्रदेश। उन्होंने भी प्लेज किया कि मैं उन बच्चों की एजुकेशन, दोनों बेटियों की एजुकेशन मैं देखूंगा। इस तरह और लोग आगे बढ़ के आ रहे हैं। मैं तो सोनू भाई से मेरी बात तकरीबन हर आधे घंटे में हो जाती है, तो वो बता रहे हैं कि आंध्र प्रदेश साइड तो मतलब इतना ज़्यादा मूवमेंट शुरू हो गया है इस चीज़। तो देखिए ये जो चीज़ें होती हैं इसको जब कोई इंसान देखता है, अब जैसे मैंने भी वीडियो देखा तो मतलब मैं भी सोच सकता था यार कि अच्छा मतलब चलो कोई नहीं देखते, बट वो ऐसी चीज़ आपको हिला देती है। और ऊपर से मैं कहूँगा कि जब ये मैं वीडियो देख रहा था, मैं गुरुद्वारा साहब जा रहा था सेक्टर 8 के, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं बाबा जी का भी आशीर्वाद था कि आज मेरे हाथों से कुछ अच्छा योगदान डलवाना है। तो और वो भी जब आप ऐसे लोगों से जुड़ते हो सोनू सूद जी जैसे, तो आपको खुद आपको पता है कि एक आप प्योर इंटेंट के साथ जा रहे हो तो आगे से भी आपको वही इंटेंट है। और वही बात है ना कि आप जब आप किसी के साथ अच्छी नीयत से कुछ करना चाहते हैं, जैसे सोनू भाई ने सोचा कि जी मैंने उनके लिए कुछ करना है, वो जो पत्रकार साहब थे जिन्होंने ये वीडियो डाला, उन्होंने भी उस फैमिली का मैं कहता हूँ रियल स्टेज देखी कि क्या रियलिटी में प्रॉब्लम है उनको, उस चीज़ को उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला। उन्होंने भी सारे हिंदुस्तान में से सोनू सूद को चुना, उनको टैग किया, उनको लगा कि शायद ये इंसान आगे बढ़ सकता है, और वही हुआ कि अच्छा। फिर सोनू भाई ने मेरे को फ़ोन किया, देखिए कहाँ से चेंज शुरू हुई। और सबसे मज़े की बात है कि ये सब कुछ एक दिन के अंदर हुआ है। तो आप ये देखिए कि मतलब कहाँ आंध्र प्रदेश में, तो आज तक गया भी नहीं वहाँ पे कभी, और अब ज़रूर मन है कि कभी वहाँ पे जाके, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि अब आप उस परिवार से मैं अपने आप को जुड़ा महसूस कर रहा हूँ। तो मैं अब सोनू भैया को अब कहने लगा हूँ कि भाई अब ये कोरोना ठीक हो जाए, फिर एक बार हमने जाके भी उस ट्रैक्टर का गेड़ी जरूर लगानी है उस ट्रैक्टर पर, और हमने वहाँ पर ज़रूर उस खेत में उस किसान के साथ हमने काम करना है, क्योंकि एक अपनापन सा महसूस हो रहा है। तो मैं तो इनफैक्ट कल से सोनू भाई कह रहा हूँ, मैं अगर मेरे को मतलब कहाँ से आपको थॉट आया कि करण से बात करता हूँ, और मैं कहा तो इतना ज़्यादा उस चीज़ की एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो मैं कल से अपने कुछ फ्रेंड्स को ये बात बता चुका हूँ, तो लोग भी हैरान हो रहे हैं कि कैसे एकदम। मैं कहा यार ये देखो कि इसे कहते हैं तकदीर, कि कहाँ से वो फार्मर अपने कुछ कर्म करके आया था, उसकी बच्चों की ऐसी किस्मत थी कि एकदम उनकी लाइफ ही बदल गई ना। आप देखिए कहाँ पर, आपने अगर वो वीडियो देखा हो कैसे वो परिवार सारा हल चला रहे हैं, अब कहाँ वो ट्रैक्टर चला रहे हैं, बच्चों की एजुकेशन के लिए चंद्रबाबू नायडू साहब आ गए हैं, और भी आई एम श्योर आंध्र प्रदेश की सरकार ने और भी रिलीफ्स उनके लिए अनाउंस कर दिए होंगे। फिर अब वो जब सोनू भाई बता रहे थे, उन्होंने बात की उस किसान से, तो उसको रिक्वेस्ट भी किया कि अब जैसे भैया हम तेरे लिए पहुँचे हैं, अब तू भी अपने गांव में बाकी जो फार्मर्स हैं जिनको ज़रूरत है उनको हेल्प कर, ये अपने ट्रैक्टर से उनके खेतों में हल चला। तो अब ये देखिए ये एक वो चेन होती है,
तो वो अब अगर ये मूवमेंट मैं कहता हूँ कि इस तरह से पूरे समाज में चल पड़े, हर इंसान इस तरह सोचने लग पड़े, फिर तो मतलब हम किसी भी चीज़ को, कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं, कोई भी लड़ाई मुश्किल नहीं है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि आज के दिन बैठे जो मतलब इस तरह की जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मेरे को नहीं लगता कि हमने बहुत काम पहले भी किए हैं। हमने अभी कोरोना में मेरे ख्याल से पता नहीं कितने ही कोक कंपनी के साथ मिलके, मेरे दोस्त हैं या विक्रम कंधारी, उनके साथ मिलके हमने पूरे पंजाब में कितने ही ट्रक्स बांट दिए जूसेस के, क्रेमिका लोगों के साथ मिलके हमने कितना ही उनकी ब्रेड्स वगैरह। बट जो एक ये एक इस इंसिडेंट से जो एक सेटिस्फेक्शन मिली है, और मतलब आपको, मेरे को फर्स्ट टाइम ऐसा फील हो रहा है कि मैंने आज तक, देखिए मैं 97 से इस सोशल वर्क काइंड ऑफ फील्ड में हूँ, मैं यंगेस्ट सरपंच भी रहा हूँ, लिम्का बुक रिकॉर्ड होल्डर हूँ इंडिया का, तो मैं बहुत दुनिया देख ली, पॉलिटिक्स भी देख ली, ये सोशल सर्विस भी देख ली, अब ये मैं इंडस्ट्री चैम्बर का चेयरमैन हूँ, पर बहुत काम किए। बट मेरे को आज लगा पहली बार कि कुछ ऐसा काम किया है जिससे हमेशा के लिए मैंने किसी की ज़िंदगी में कोई परिवर्तन आया है। आप बाकी कुछ काम करते हैं, वो एक होता है टाइमली होता है कि आपने किसी की कोई हेल्प की, ठीक है, उसका दुख सुख उस टाइम के लिए चला गया आपने किसी की। ये एक जो सोनू भाई ने एक जो मूवमेंट शुरू की, इससे उस परिवार का लाइफ हमेशा के लिए बदल गई। पहला भी कभी रहा कि मैं रहा सोनू भाई हमारे भाई हैं, बड़े बड़े पुराने हैं, बहुत प्यार है मेरा उनके साथ। कई बार हम चंडीगढ़ में, मतलब जो लोग मेरे को जानते हैं वो तो आई थिंक सारे सोनू भाई को मिल भी चुके होंगे। मेरे पास चंडीगढ़ वो आते रहते हैं, मैं उनके बॉम्बे जाता रहता हूँ, हम कई बार मोगा इकट्ठे हुए उनके होम टाउन पे, वो मेरे साथ मेरे होम टाउन फाजिलका भी गए हुए हैं, वहाँ पे हमारा एक समाधि है शहीदों की, वहाँ पे मत्था टेकने विजय दिवस के मेले के लिए। तो सोनू भाई के साथ तो, और वो पहले भी मैंने उनका ना देखा है। देखिए ये आज शायद लोगों को पता चला है कि सोनू सूद जो ये सुपरमैन या सुपर हीरो, पर मैं सोनू भाई को पहले भी जानता हूँ, ये मोगा में भी जो इनका एंसेस्ट्रल सिटी है वहाँ पर बहुत कुछ करते रहते हैं। क्योंकि मेरे को पता है कि जब भी वो आते हैं चंडीगढ़ ही लैंड करते हैं, हम पहले हम इकट्ठे होते हैं, फिर वो शहीदों के लिए कुछ करते रहते हैं, अपने वहाँ पे बच्चों के लिए कुछ करते रहते हैं एजुकेशन बेस पे। तो वो ऑलरेडी अपने फादर के नाम पे एक इनका एनजीओ है जिसपे, फैमिली का एनजीओ है जिसपे ये बहुत काम कर रहे हैं कई सालों से। तो ये ऐसा नहीं कि एकदम बैठे आपको सूझा कि हाँ मैंने कोरोना में आगे निकलना है। ये एक जब तक इंसान के एक वो किरदार में चीज़ नहीं होती तो वो चीज़ कभी भी सामने नहीं आती। तो इसलिए, और शायद मेरा भी इतना ज़्यादा प्यार सोनू भाई से इसलिए रहा है कि जब भी मिले हैं हमेशा बहुत प्यार से मिलते हैं। तो वही बात है ना जी, आज की दुनिया में गिव एंड टेक है, अगर आप प्यार देते हो तो ही प्यार मिलता है। तो और इस करके ही शायद मेरे को लगता है कि आज भी अगर आप देखें कि हमारे, अगर सरकारों की बात करूं, कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जिन्होंने उनके बारे में ट्वीट नहीं किया या उनको अपनी ब्लेसिंग्स नहीं दी या उनको शाबाशी नहीं दी। बिकॉज आज के टाइम पे ना सबसे जो मुश्किल काम है वो है आगे बढ़कर निकलना, और वो भी कोरोना के टाइम पे। अब मेरे को ही पता है कि हम भी कुछ ऐसे काम करते हैं कि हम भी अपने घर नहीं बताते, बिकॉज अगर घर बताएंगे तो शायद घर वाले डरते हैं, तो कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं बिना बताए, क्योंकि मन करता है आपका लोगों के लिए आगे बढ़कर निकलने का। पर ठीक है, कुछ तो अब वो भी सोनू भाई भी, अभी जैसे मैं उनकी एक इंटरव्यू देख रहा था, वो बता रहे थे, कहते हैं कि फैमिली का उनको बहुत सपोर्ट रहा है, बिकॉज फैमिली की सपोर्ट के बिना तो आप, बिकॉज ये वही वाली बात है कि आप सर पे कफन बांध के सुबह निकलते हो, कुछ नहीं पता कि शाम को क्या दुख सुख होगा। तो ये देखिए वही बात है ना, इतने करोड़ों लोगों की दुआएं, मैं तो इनफैक्ट काश बॉम्बे में होता अगर इस टाइम पे, तो और ज़्यादा सोनू भाई के साथ लग के ये काम करने का मौका मिलता। बट ठीक है, यहाँ बैठे हम जो भी अपने लेवल पे कर सकते हैं तो वो हमेशा सोनू भाई के लिए हमेशा हाज़िर हैं। और मैं कहूँगा कोई भी और हमारे दोस्त हैं कहीं के भी, किसी को भी यहाँ पे कोई मदद, मैं तो अपने सोशल मीडिया पे भी डालता रहता हूँ, किसी को भी कुछ भी कभी इस आई वुड से इस पार्ट ऑफ द कंट्री में कुछ दुख सुख हो जिसमें हम कुछ कर सकें,
क्योंकि मेरा शुरू से ही अप्रोच रहा है कि अगर आपके कहने से, आपके कुछ करने से अगर आप किसी की भी मदद कर सकते हैं तो हमेशा करनी चाहिए। अगर आपको वो, मैं कहता हूँ, दुआ ना मिले, बददुआ भी नहीं मिलती, और वो नेकी कभी ना कभी आपके काम जरूर आती है। तुसी यंगेस्ट सरपंच रहे हो, कितने सालों दे सीगे ते कितने दे रहे हो, वो टर्म कितनी सी? मैं उस टाइम पे 21 साल का था, 98 की बात है ये, 97 एंड की, तो ये हमारे पंजाब में मेरा गांव है, घनियानी राणा के नाम से मशहूर है, फाजिलका के पास है। तो वहाँ मैं अपने एक टर्म मैंने सरपंची का अपना किया है, और मतलब आज भी अपने लोगों के साथ तो मैं जुड़ा ही हूँ, हर महीने जाता हूँ, मेरी फैमिली वहीं रहती है। तो हाँ, ज़रूर इस चीज़ का प्राउड जरूर फील होता है कि लिम्का बुक रिकॉर्ड में मेरा नाम है। और तो इसलिए मैं वही आपको बता रहा था कि मैंने एक तरह से कई लाइफ में अपने रोल प्ले किए हैं, बट मिशन एक ही रहा है कि किसी ना किसी तरह लोगों की मदद कर सके। और मेरे ख्याल से वो आप किसी भी रोल में चले जाओ, अगर आप वो करना चाहें तो आप कर सकते हैं, चाहे आप सोशल लाइफ में देख लीजिए, पॉलिटिकल लाइफ में देख लीजिए। तो वो, और शायद मेरे को लगता है कि क्योंकि अब कोई पॉलिटिकल लाइफ में आप नहीं होते या किसी से जुड़े नहीं होते, तो आपको कोई किसी से पूछना नहीं, कुछ नहीं, आप जो करना चाहो आप किसी को भी रीच आउट कर सकते हो। कदे सरपंच बने, बहुत छोटी उम्र 21 साल के सरपंच बन गए तुसी, ते फिर अगे नहीं सोचे आप पॉलिटिक्स बदन? नहीं, देखिए मैं वही आपको बता रहा था कि एज सच एस्पिरेशन मेरी कभी भी नहीं थी, बिकॉज उसमें फिर आपका ना दायरा बन जाता है। मकसद क्या है किसी भी राजनीति में आने का, कि आप सेवा करना चाहते हो। वो सेवा करने के लिए आपको इलेक्शन लड़ना ज़रूरी नहीं है या काम करना ज़रूरी नहीं, ठीक है वो जो करते हैं वो उनका काम है। और मैं तो ये सोचता हूँ कि शायद जो काम हम कर रहे हैं वो उससे भी, मतलब हम उतनी ही सेवा कर पा रहे हैं जितनी सेवा हम शायद किसी और रोल में जाके कर सकें। तो उसमें एंड देखिए मेरा अपना बिजनेस भी है, वो भी हमने देखना है, तो आई थिंक उसके साथ हमें जो टाइम मिलता है और जो हम, बिकॉज देखिए सबसे ज़रूरी है कि आपका इंटेंट क्या है, अगर आपने पावर इन्जॉय करनी है या आपने पावर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो मैं तो हमेशा बिलीव करता हूँ हमने तो डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो उसके लिए एब्सोल्यूट पावर खुद, मतलब मेरे को तो एटलीस्ट अपने लिए लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी वो कहते हैं ना, सबसे बड़ी जो पावर होती है वो लोगों का प्यार होती है, तो वो हमारे पास भगवान की दुआ से बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमें किसी और चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। करण जी, तुम समाज सेवा करते हो, दिल चाह रखते हो, काफ़ी छोटी उम्र तो समाज सेवा शुरू करती, कोरोना दौरान तुम जूस बंडे लोगों की होर हेल्प की, तो हूँ अगे की सोच रहे हो करण? हमने कोरोना के टाइम भी, मतलब मैं तो आपको वैसे एग्जाम्पल दिया जूसेस का, ब्रेड्स का, मैंने बहुत चीज़ें की अपने PhD चैम्बर की तरफ से भी, अपने मेरे जो पेरेंटल विलेज है राणा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी हमने काफ़ी कुछ किया, राशन बांटे ये वो किया। तो देखिए अब मेरे को आपको मैं आज के एग्जाम्पल देता हूँ, पावर ऑफ, वो कहते ना कि आज मेरे को आप जैसे ही किसी ये जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी से जब उन्होंने देखा कि सोनू भाई ने जैसे मेरे बारे में मेंशन किया अपना अपने सारे इंटरव्यूज़ में कि ऐसे ऐसे मैंने, मेरा दोस्त है करण गिल्होत्रा, उनसे मेरी बात हुई, तो हमने कैसे वो सोनालिका को रीच, मतलब वो जब स्टोरी अपनी सारी उन्होंने बताई जैसे आपको मैं बताई, तो किसी ने मेरे को आज एक न्यूज़ भेजी कि यहाँ पे मोरनी के पास कोई स्कूल है, वहाँ पर बच्चों पास ऑनलाइन क्लासेस हैं बट उनके पास फ़ोन नहीं है, बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है पढ़ने में, तो आप इनके लिए भी कुछ कर सकते हैं। अब आप देखिए ना, उन्होंने पूरे चंडीगढ़ में ये चीज़ मेरे को भेजी, एक उम्मीद से भेजी कि जी और ये बिकॉज मेरे भी बच्चे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि ऑनलाइन क्लास पढ़ने के लिए अगर आपके पास फ़ोन या कंप्यूटर नहीं है आप पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो उन्होंने एक स्टोरी की हुई थी पूरी जो उन्होंने मेरे को भेजी, जिसमें बताया कि कैसे लोग अपने किसी नेबर से मांग के पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई फैमिली में एक फ़ोन है, या बच्चों का घर पे एक फ़ोन है, बच्चों के टाइमिंग क्लासेस डिफरेंट है, एक दिन एक बच्चा पढ़ता है, एक दिन एक बच्चा पढ़ता है, तो इस तरह की लंबी स्टोरी थी। तो अब मेरे को जब वो आया, मैं कहा देखो यार कि अगर मेरे को भेजा गया है तो शायद मेरे से उम्मीद रखते हैं। उसी टाइम मैंने जैसे क्योंकि कुछ वैसी सोनू भाई से हमें भी इंस्पिरेशन मिलती रहती है, तो मैंने भी इमिडिएटली उस पर उनको रिप्लाई किया कि मैं कह रही बताइए कितने फ़ोन चाहिए आपको।
तो वो कहते हैं कि मैं प्रिंसिपल से बात करके आपको बताऊंगा। मैं कहा जी बिल्कुल आप बताइए मेरे को, और फिर मेरे हमारे अपने भी कुछ यहाँ फ्रेंड्स हैं जो मेरे को वैसे भी पूछते रहते हैं भाई कुछ हो कभी तो मतलब मेरे को उसमें कोई डाउट नहीं है कि मैं उनकी वो नीड पूरी नहीं कर पाऊँगा, पर मेरे को एक वही बात है ना, ये लोगों का प्यार था या ब्लेसिंग्स थी जो और उम्मीद थी जिससे उन्होंने रीच आउट किया, और अब मेरे ख्याल से अगर वो आज कंफर्म कर देंगे तो कल कर देंगे तो उनको हम वहाँ मोरनी स्कूल में फ़ोन दे भिजवाएंगे। तो इस तरह की मतलब वही बात है ना कि अगर जहाँ पर कोई जेन्युइन कॉज लगता है या वो उम्मीद लगती है कि लोगों को एक हेल्प की ज़रूरत है या उनको एक किसी प्यार की ज़रूरत है, तो वहाँ पे एटलीस्ट जितने जोगे हम हैं वो तो हमेशा वहाँ पे खड़े रहने का, ये मतलब आज का नहीं ये शुरू का एक कोशिश है, और ये कोशिश मरते दम तक बरकरार रहेगी। और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने भी एक ही कोशिश की है कि जितनी जिंदगियों में आप फ़र्क डाल सकें, ठीक है दुनिया कहती है कि आप जो मर्जी कर लो, कोई थैंकलेस हैं लोग, बाद में कोई याद नहीं रखता बस वो, बट नोइंग ऑल दिस मैं तब भी बिलीव करता हूँ कि ऐसा नहीं है, आप उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, कर्म अच्छे करो आपको हमेशा उसका फल मिलेगा। वो कहते हैं कि नीत नू ही आसां दे बूर पैंदे ने, जे तुहाडी नीत चंगी आ तां तुसीं एक मुकाम जरूर पाउंदे हो, हर कुछ कम कर सकते हो। सो यही जी एक एग्जाम्पल ने करण गलोत्रा जी जिन्होंने चंगी नीत दे सदका समाज सेवा की अपना एक मुकाम बनाया। चंडीगढ़ तो कैमरा परसन आकाशदीप के नाल रवि जाखू।